हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टार मेकर अवार्ड यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो अपलोड करते ही आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो में असल में है क्या। तो दोस्तों, आज की वीडियो है इस टॉपिक पे कि हम अपने VIP जो रिचार्ज को करते थे, तो सब बहुत सारे लोग हैं जो कार्ड से कर लेते हैं, अपना ATM कार्ड से जो है ना, जो डेबिट कार्ड होता है उससे अपना VIP रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग का जो कार्ड है वो काम नहीं करता है। तो क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो है ना बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि पेटीएम से जा करके रिडीम कर लेते थे। रिडीम करके देखिए मैं बताता हूँ क्या करते थे। यहाँ VIP पे गए, VIP पे जाने के बाद हमको जो जाना, ये तो मेरा कार्ड यहाँ पे जो है मान लीजिए कि ऐड है, तो यहाँ पे मैं सब्सक्राइब करूँगा तो हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, वो क्लिक करने के पेमेंट ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो गूगल पे बैलेंस हमारा सिर्फ 2 रुपये 13 पैसे जो शो कर रहा है, वहीं पे जो है ना वो अमाउंट ऐड होता है। तो वो अमाउंट कैसे ऐड होता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे नीचे जो लिखा हुआ है रिडीम कोड, जब हम रिडीम कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 16 अंक का जो है ना हमको जो कोड मिला हुआ था है रिडीम का, वो यहाँ पे डालना होता है। और जब वो हम कोड डालते हैं, डालने के बाद जो है हम फिर रिडीम कंफर्म करते हैं, उसके बाद वो जो है ना सब्सक्राइब को ओके करने का बताता है, फिर करने से वो हो जाता है। ये एक तरीका था और ये पेटीएम के थ्रू बहुत आसानी से बहुत सारे लोग कर पा रहे थे। तो दोस्तों, अब ये पेटीएम से नहीं होता है तो आपको उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जो है ना प्ले स्टोर पर जा करके जो है ना ये फ्री चार्ज ऐप जो है उसको कर लेना है डाउनलोड। तो फ्री चार्ज ऐप हर किसी को पता ही है, बहुत फेमस ऐप है। तो यहाँ पर हम फ्री चार्ज को जब ओके करते हैं तो यहाँ भी देख लीजिए गूगल पे का ऑप्शन आ जाता है। जब गूगल पे ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो है जैसे हम पेटीएम से इंटर अमाउंट डालते थे, डाल करके कंटिन्यू करके अपना जो है पेमेंट का ऑप्शन कंप्लीट करते थे, वैसे सेम करने के बाद आपको यहां से मिल जाता है रिडीम कोड। तो दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा कि रिडीम कोड एक स्क्रीन पे तो शो होगा ही, लेकिन दोबारा से आपको यहां जैसे आपको पेटीएम हिस्ट्री में मिल जाता था वैसा यहाँ नहीं मिलेगा, उस वो चीज़ आपको दोबारा से ईमेल आईडी पे मिलेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ईमेल जब चेक करेंगे तो वहाँ आपको दोबारा से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये एक तरीका है। और उसके बाद जो है आपको एक बेहतरीन तरीका क्या आ जाता है, जैसे हम लोग करते थे रिचार्ज अपने आईडी को ऑफिशियल के लिंक से करते थे, तो ऑफिशियल के लिंक में हमें क्या करना होता है, एकदम सिंपल वे होता है कि हम अपना जो है ये तो VIP का हो गया, मैं अभी पहले स्टार मेकर यहाँ ये हो गया रिचार्ज लिंक। तो ये रिचार्ज लिंक पे हम क्या करते हैं ना दोस्तों कि यहाँ पे अपना SID नंबर जब मारते हैं, ठीक है, जब हम अपना मान लो हमारा मोबाइल नंबर से है तो मोबाइल नंबर मारेंगे, तो देखो दोस्तों यहाँ पे मेरी आईडी खुल जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पेटीएम ऑप्शन से क्लिक करके हम पेटीएम पे जब जाएंगे तो हम रिचार्ज कर लेते हैं अपना। अब वो मेरा जो है रिचार्ज हो जाता है, यहाँ भी सेम रिचार्ज है, ये चीज़ मैं पिछली वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों, ये हो गया एक अपने आईडी को रिचार्ज करने का कॉइन के लिए। तो ये एक आपको सिंपल वे में पेटीएम के थ्रू हो जाता है ऑफिशियल लिंक के थ्रू, और वो इतना ही कॉइन मिलता है जितना आपको ऐसे नॉर्मल मिलता है। लेकिन अगर आप ऑफिशियल लिंक से रिचार्ज करते हैं तो आपको सेफ़ होता है। अगर बाय चांस आपका रिचार्ज नहीं हुआ तो ऑफिशियल जो है ना वो रिचार्ज के बारे में जान देख करके आपके कॉइन को वापस ला करके दे देते हैं। तो ये हो गया एक। दूसरा ऑप्शन आता है आपको VIP रिचार्ज का। तो दोस्तों, जब आप VIP रिचार्ज करने जाएंगे तो आपको फिर से यहाँ पे जो है ना, जो मैंने बताया था चेंज अकाउंट करने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप कोई भी डेबिट कार्ड डाल सकते हो। आप देख लीजिए 3 मंथ 1 ईयर का ऑप्शन है, यहाँ पे 1 महीने वाला नहीं है। तो आपको 3 मंथ या 1 ईयर का क्लिक कर लेने के बाद आपका यहाँ पे कोई भी कार्ड काम करेगा, क्योंकि वो चीज़ भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे एग्जांपल हमारा जो बहुत सारा कार्ड होता है वो स्टार्ट होता है 60 से स्टार्ट होता है, और ये जो गूगल पे जो कार्ड है ना वो 60 वाला इनवैलिड बताया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ 60 का एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ 60 कुछ भी हम मार रहे हैं ये कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन यही चीज़ जो है ना हमारा गूगल पे करता है या नहीं, ये चीज़ हम आपको दिखा दें। चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम आ करके ऐड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ अब देखिए, यहाँ पे लिखा रहा है इनवैलिड बता रहा है। तो ये जो है ना 607 या कुछ भी जो ऑप्शन है
ये वाला कार्ड नहीं चलता, यहाँ कार्ड चलेगा कौन सा, ये वाला कार्ड चलेगा 40 से, जो कार्ड यहाँ पे 4 से स्टार्ट है ना वो कार्ड यहाँ पे चलता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा माइंड में रख लीजिए। तो जो कार्ड से कर पाते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, जो कार्ड से नहीं कर पाते हैं वो तो या फ्री चार्ज ऐप जो है इससे कर लें कि फ्री चार्ज से आप अपना जो है ना VIP कंप्लीट कर लें। जो फ्री चार्ज से भी नहीं कर सकते तो उनके लिए जो है ना बेहतरीन ऑप्शन आ गया है ये लिंक। तो आप अगर इस लिंक से करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में ये लिंक, दोनों लिंक दे देंगे, रिचार्ज लिंक भी दे देंगे और साथ में VIP का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से ले लीजिए और अपना इजीली रिचार्ज कर सकते हो। और ये एकदम सेफ़ भी होगा आपके लिए, ताकर कि आपको अगर क्यों फ्यूचर में दिक्कत होता है तो वो ऑफिशियल जो है ना आपको काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं बस यही बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का VIP जो है ID रिचार्ज करने में दिक्कत हो रहा है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और देखने के बाद शायद इनको काफ़ी लाभ भी मिलेगा इस वीडियो से। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।